हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब जैसे कि स्टार कनेक्शन में क्या होता है। इन अ स्टार कनेक्शन द थ्री वाइंडिंग ऑफ द मोटर आर कनेक्टेड टुगेदर एट अ सेंट्रल पॉइंट। जैसे एक वाइंडिंग होगी आपकी ये, ओके, देन सेकेंड वाइंडिंग, देन थर्ड वाइंडिंग। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट पे आती हैं और मीट करती हैं इस, और ये शेप बनाती है एज अ स्टार। तो इसको इसलिए स्टार कनेक्शन बोला जाता है। द अदर एंड्स ऑफ द वायरिंग आर कनेक्टेड टू द थ्री फेस पावर सप्लाई। अब यहाँ पे जो थ्री फेस पावर सप्लाई थी वो उसको भी सप्लाई देगा। ठीक है, ये जो थ्री, ये हो गया, ये हो गया, एंड देन ये वाला टर्मिनल हो गया, यहाँ पे आपकी थ्री फेस पावर सप्लाई जाएगी। द स्टार कनेक्शन प्रोवाइड्स अ लोअर करंट रेटिंग, मेकिंग इट सुटेबल फॉर मोटर्स दैट आर फ्रीक्वेंटली स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड। हाउएवर अ स्टार कनेक्शन रिजल्ट्स इन लोअर टॉर्क आउटपुट विच मे नॉट बी सफिशियंट फॉर हैवी लोड्स। क्या होता है, आप हमेशा याद रखिए, स्टार कनेक्शन में आपका करंट करंट जो होता है वो लो रहता है। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग करंट जो रहता है आपका स्टार कनेक्शन में प्रिफर किया जाता है। अगर आपकी मोटर का करंट आपको लो करना है, ठीक है, तो आप स्टार कनेक्शन प्रिफर करेंगे। देन आप ये याद रखिए कि करंट और टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल रहता है। अगर टू बी मोर प्रिसाइज, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। ठीक है, और देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर आपको कभी भी फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप करना है, जैसे मोटर बंद चालू बार बार करना है, देन आपका स्टार कनेक्शन को प्रेफरेंस दी जाती है मोटर में। ठीक, इन अ डेल्टा कनेक्शन द थ्री वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ ट्राइंगुलर शेप फॉर्मिंग द शेप ऑफ अ डेल्टा। द थ्री फेज पावर सप्लाई इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द वाइंडिंग्स। द डेल्टा कनेक्शन प्रोवाइड्स अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड इज मोर सुटेबल फॉर हैवी लोड्स। हाउएवर द डेल्टा कनेक्शन रिजल्ट्स इन हायर स्टार्टिंग करंट ऑल्सो विच कैन कॉज वोल्टेज ड्रॉप्स इन द सप्लाई सिस्टम। अभी डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन में आपके पास यहाँ से एक वाइंडिंग होगी, ठीक, देन सेकेंड वाइंडिंग और थर्ड वाइंडिंग, ये आपकी कनेक्टेड रहेगी। अब इसी में हम आपको डायरेक्ट सप्लाई देंगे सीधा वाइंडिंग्स में। इसमें आपका क्या होगा, करंट जो रहेगा वो हाई रहेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, टॉर्क जो होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसका करंट अगर हाई है तो आपका टॉर्क भी हाई रहेगा। तो हैवी लोड्स के लिए ये प्रेफर किया जाता है, कौन सा, डेल्टा कनेक्शन। ओके, इन जनरल द चॉइस बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड लोड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मोटर। फॉर लो टू मॉडरेट लोड्स अ स्टार कनेक्शन मे बी मोर सुटेबल, वाइल फॉर हाई लोड्स अ डेल्टा कनेक्शन मे बी नेसेसरी टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड टॉर्क आउटपुट। जैसा भी बताया कि अगर आपका हैवी लोड है, हैवी टॉर्क चाहिए, डेल्टा कनेक्शन मोस्ट प्रेफरेबल है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द चॉइस ऑफ कनेक्शन टाइप अफेक्ट्स द मोटर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो बी केयरफुली कंसिडर्ड बिफोर इंस्टॉलेशन। बिल्कुल सही है। देन अगर हम इसमें आते हैं, मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ, चलिए, और थोड़ा सा क्या आता है, वोल्टेज और करंट में देखेंगे। अब अभी हमने बेसिक समझ लिया कि बेसिक क्या है। अगर मैं आपको और टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो वोल्टेज एंड करंट इन अ स्टार कनेक्शन, द लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू द फेज वोल्टेज। जैसे ही आप स्टार कनेक्शन में आएंगे तो आपका जो वी एल, ये जो होगा इक्वल होगा वी पी एच के, वाइल द लाइन करंट, जो लाइन करंट होगा इज इक्वल्स टू द 1/√3 टाइम्स ऑफ द फेज करंट, आई पी एच बाय रूट थ्री। ये करंट, ये बनेगा फेज करंट इन स्टार कनेक्शन। ठीक है, अब अगर फिर उसके बाद मैं अगर डेल्टा कनेक्शन में बोलूँ तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन में वी एल इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ वी पी एच, वेयर एज करंट ऑफ लाइन एंड फेज वोल्टेज आर इक्वल, ओके, इन डेल्टा कनेक्शन। अब पावर का अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे हम लोग तो पावर क्या होगा, द पावर आउटपुट ऑफ अ स्टार कनेक्टेड, द पावर आउटपुट ऑफ अ स्टार कनेक्टेड मोटर इज 1/3 ऑफ द पावर आउटपुट ऑफ द डेल्टा कनेक्टेड मोटर ड्यू टू लोअर लाइन वोल्टेज एंड करंट इन द स्टार कनेक्शन। अब क्या पावर जो होगा, दोनों का रिलेशन क्या बन रहा है, पावर इन स्टार इज इक्वल्स टू पावर डेल्टा बाय थ्री, ये रिलेशन बन रहा है पावर का। ओके, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क इन अ स्टार कनेक्शन, द स्टार्टिंग टॉर्क इज 1/3 ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क इन डेल्टा कनेक्शन ड्यू टू लोअर करेंट एंड रिड्यूस मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अभी मैंने बताया कि अगर आप जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर रहता है, हम डी ओ एल यूज़ करते हैं, डी ओ एल स्टार्टर यूज़ करते हैं,
देन उसके बाद हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो स्टार डेल्टा में क्या फ़ायदा है? स्टार डेल्टा में ये फ़ायदा है कि आपका जो करंट रहेगा, करंट आपका रिड्यूस हो जाएगा स्टार में, देन वही कंपैरिजन करेंगे अगर डेल्टा में तो हाई रहेगा। तो इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपका अगर वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया जाता है। ओके, अगर एफिशिएंसी में कंपैरिजन किया जाए तो द एफिशिएंसी ऑफ अ डेल्टा स्टार मोटर, डेल्टा कनेक्टेड मोटर इज़ हायर देन डेट ऑफ अ स्टार कनेक्टेड मोटर ड्यू टू लोअर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लोअर कॉपर लॉसेज। आपको सब जगह डिफरेंसेस में स्टार्टिंग टॉर्क, पावर ये ज़रूर मिल जाएगा, बट ये एफिशिएंसी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आप सबस्टेशन में भी हैं और आप देख रहे होंगे, तो आपको ये पॉइंट नोटिस होगा कि जो एफिशिएंसी है वो डेल्टा कनेक्टेड वाली मोटर्स की ज़्यादा रहती है कंपेयर टू स्टार कनेक्टेड मोटर्स, ठीक, ड्यू टू लोअर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लोअर ऑफ कॉपर लॉसेस। ओके, थर्मल परफॉर्मेंस में देखते हैं। थर्मल परफॉर्मेंस, द टेम्परेचर राइज इन अ स्टार कनेक्टेड मोटर इज लोअर देन डैट इन अ डेल्टा कनेक्टेड मोटर ड्यू टू लो करेंट डेंसिटी। अभी मैंने बताया करेंट कम होगा, करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या फिर थर्मल लॉसेज कह सकते हैं, ठीक है। अगर थर्मल लॉसेज जो है वो आपके ज़्यादा है, इसका मतलब आपका करेंट जो है वहाँ पर ज़्यादा है। ओके, तो सेम अगर ये करंट किस में ज़्यादा है, करंट है आपका डेल्टा में ज़्यादा, तो डेल्टा में ही आपका थर्मल लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। ओके, देन उसके बाद वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन, द वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन इज डिफरेंट। इन अ स्टार कनेक्शन द थ्री एंड्स ऑफ द मोटर वाइंडिंग्स आर कनेक्ट टू अ कॉमन पॉइंट, वाइल इन डेल्टा कनेक्शन द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू क्लोज लूप, वाइल इन डेल्टा क्लोज लूप इज फॉर्म्ड। ओके, स्टार्टिंग करंट, द स्टार्टिंग करंट इन डेल्टा मोटर इज हायर देन दैट इन अ स्टार कनेक्टेड मोटर ड्यू टू हायर लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज हाई रहेगा और इसमें आपका करंट भी स्टार्टिंग वाला हाई रहेगा डेल्टा कनेक्शन में। ओके, अब मेन पॉइंट क्या है, इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट सम मोटर्स आर डिज़ाइन फॉर डुअल वोल्टेज ऑपरेशन। डुअल वोल्टेज ऑपरेशन के लिए भी मोटर्स डिज़ाइन होती हैं, allowing them to be connected either in a star or delta configuration depending on the application requirements। तो ये जो basic थे differences ये मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको और information electrical related जानना है, आप channel को मेरे subscribe करिए, मैं आपको ऐसी information और देता रहूँगा। okay, thanks a lot।